कोटा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को यहां 8 नए मामले सामने आए। बंगाली कॉलोनी से 9 साल का बालक संक्रमित पाया गया है। छावनी शहर का एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। शनिवार को भी 3 मामले छावनी से सामने आए। एक बुजुर्ग कोटड़ी से, 3 मरीज सुभाष नगर से सामने आए हैं। कोटा में अब तक कुल 448 संक्रमित सामने आ चुके हैं। उधर दादाबाड़ थाना इलाके के शिवपुरा इलाके में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया। वहीं देर रात दादाबाड़ी SHO द्वारा संपूर्ण क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया जाने के बाद लोगों से समझाइश की व लोगों से घरों में रहने की अपील की और गली मोहल्ले में घूमकर लोगों को समझाया कि आवश्यक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकले, मास्क पहने व सामूहिक तौर पर इकट्ठा होकर बातें ना करें। के कोरोना पॉजिटिव केस आने से और शिवपुरा के 100 मीटर रेडियस एरिया को जो आया है पॉजिटिव केस, उस पॉजिटिव केस के घर को केंद्र मानते हुए 100 मीटर रेडियस एरिया को और जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने की हिदायत की गई।